हिंदू युवा वाहिनी महानगर की मासिक बैठक शुक्रवार को रेलवे स्टेशन रोड स्थित प्रदेश कार्यालय पर आयोजित किया गया। बैठक में प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विचार विमर्श किया गया। साथ ही जन जागरूकता के लिए हिंदू युवा वाहिनी आम जन तक जाने का काम करेगी। इस मौके पर हिंदू युवा वाहिनी महानगर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के महानगर संयोजक ऋषि मोहन वर्मा ने कहा, सबसे पहले हिंदू वाहिनी के महानगर के संयोजक एवं पार्षद बड़े भाई ऋषि मोहन वर्मा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। महानगर के संगठन महामंत्री संजय सिराकुर जी का एवं चंद्रमोहन वर्मा जी का, साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू वाहिनी महानगर पर इस बैठक में हम सभी उपस्थित हुए हैं। अपने आंदोलन का रूप बदवाइने की पहचान आंदोलनों की वजह से जाना जाता है। सिर्फ वाहिनी का स्वरूप आंदोलन नहीं है, प्रदेश सरकार के विकास कार्य की जो योजनाएं है। आज की हिंदू युवा वाहिनी की महानगर कार्यकारिणी की यह बैठक मासिक बैठक है, जो प्रत्येक माह संगठन के कार्यों को, संगठन के गतिविधियों को, संगठन की सक्रियता को मद्देनज़र रखते हुए सभी पदाधिकारी एक बार बैठते हैं और समस्याओं पर चर्चा करते हैं। आगामी महापर्व दशहरा को लेकर के, आगामी महापर्व दीपावली, ये सभी महापर्व की तैयारी को लेकर के जो सामाजिक और जन समस्याएँ सामने आती हैं उनके निस्तारण के लिए पदाधिकारियों में आपस में चर्चा होती है। साथ ही जो समस्याएं जिन अधिकारियों के स्तर पर होगी उन अधिकारियों से वार्ता, जनता के बीच में जाना और उनकी सुविधाओं का ख्याल करना हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का मूल कर्तव्य है। इसी निमित्त आज की बैठक यहाँ आहूत किया गया है।